स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में खेल स्टेडियम के लिए संघर्ष करेंगे गजराज बिष्ट। एसडीएम कालाढूंगी को सौंपा ज्ञापन। 1.5 सालों से अधर में लटका हुआ है स्टेडियम का काम। नैनीताल के कालाढूंगी में बनने वाले मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए भाजपा नेता ही मैदान में आ गए हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री गजराज बिष्ट ने अब मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए संघर्ष का ऐलान किया है। पूर्व राज्य मंत्री गजराज बिष्ट और उनके साथ कोटाबाग ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल ने कहा, खिलाड़ियों के लिए बनने वाली मिनी स्टेडियम का काम शिलान्यास होने के बाद भी अधर में लटका हुआ है। अगर इसके लिए उन्हें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेंगे। बताते चलें, क्षेत्रीय विकास एवं स्पोर्ट्स समिति और खिलाड़ियों की चली आ रही मांग पर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मिनी स्टेडियम स्वीकृत हुआ था। इससे पहले बकायदा प्रशासन के साथ शिक्षा विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण और युवा कल्याण विभाग का एक बार नहीं बार बार निरीक्षण हुआ। इसके बाद प्रदेश के खेल मंत्री अरविंद पांडे और कालाढूंगी विधायक कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने 4 फरवरी 2020 को शिलान्यास भी कर दिया। निर्माण कार्य रुक जाने से क्षेत्रीय स्पोर्ट्स समिति व खेल प्रेमियों में मायूसी छाई हुई है। कालाढूंगी संवाददाता जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। हमारे ब्लॉक मुख्यालय पे एक मिनी स्टेडियम की घोषणा हुई थी सरकार द्वारा, और क्षेत्रीय जनता की मांग पर, यहाँ स्थानीय युवाओं की मांग पर मिनी स्टेडियम का यहाँ पर लोकार्पण किया गया था पिछले वर्ष। लेकिन अभी तक इसमें काम शुरू होने के बाद बीच में आपसी विवाद के कारण जो कि विभाग का है वो वन विभाग बोलता है कि राजस्व का विवाद है, राजस्व बोलता है वन विभाग का है। बीच में हम लोगों ने इसमें सर्वे भी करवाया जॉइंट, जिसमें राजस्व विभाग भी आया था, वन विभाग भी आया था। उसके बाद काम रोक दिया गया, बल्कि इसमें बजट भी आ गया और पैसा भी आ गया है। और कहीं ना कहीं ये है कि इससे यहाँ पर जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यहाँ पर खेल कूद और जो जिसमें अव्वल हमारे युवा हैं, कहीं ना कहीं उनको भारी क्षति हो रही है इसके उससे, क्योंकि कई युवाओं को यहाँ पर, क्षेत्रीय युवाओं को उम्मीदें थी इस स्टेडियम के बनने से। और यहाँ पर हमारे स्थानीय स्तर पर नेशनल लेवल के हमारे यहाँ पर खिलाड़ी, यहाँ पर खेल कूद के खिलाड़ी, यहाँ पर अच्छे उत्कृष्ट हमारे यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है, अच्छे प्लेटफॉर्म जो था इसमें मिनी स्टेडियम के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिलना था। स्पोर्ट्स समिति के माध्यम से स्टेडियम की मांग रखी गई थी। यहाँ के जो युवा हैं, बच्चे हैं, अपने स्पोर्ट्स में आज तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन चाहे कांग्रेस रही या भाजपा रही, खाली नामात्र की घोषणा रही हैं। आप देख ही रहे हैं इस जंगल को, ये फील्ड जो है जंगल में तब्दील हो चुका है। अभी भी बच्चे पीछे खेल रहे हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं उनको कोई सुध नहीं है। मेरी मांग यही है कि 2006 से जो हम मांग उठाते आ रहे हैं बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, तो मांग कम से कम पूरी हो, बच्चे कम से कम नशे से दूर रहें और दूसरे ऐप में ना जाएं, अपना यहाँ पे एक स्टेडियम हो जाए तो हमारी भी चाह है कि बच्चे सही रास्ते पर जाएंगे और राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। वो लगातार यहाँ मिनी स्टेडियम की एक मांग कर रहे थे लगातार कालाढूंगी में, जिसको देखते हुए सरकार ने उसका यहाँ पर लोकार्पण किया, पैसे भी दे दिए, उसका काम भी प्रारंभ हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रशासन की लापरवाही से वो काम रुक गया। और मैं आज मैंने एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि भाई इसका काम शीघ्रता से प्रारंभ हो और प्रशासन इसमें लापरवाही न करे और तुरंत युवाओं की जो डिमांड है, जो युवा चाहते हैं यहाँ के लिए मिनी स्टेडियम बने, वो तुरंत से तुरंत प्रारंभ किया जाए। और मैंने आज कहा भी है प्रशासन से, यदि ये जल्दी शीघ्र प्रारंभ नहीं होता तो हम इसके लिए धरना प्रदर्शन तक भी हमको करना पड़ेगा, तो फिर हम करेंगे।